हेलो दोस्तों, ब्लेंडर के एक और नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ब्लेंडर में जियोमेट्री नोड्स का यूज करके बहुत ही आसान तरीके से ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप इसको सीखने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से ड्रैग कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम फटाफट ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इन सबको डिलीट करके एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट करूंगा और उसको आपको ड्रैग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें बिगर मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, थोड़ा ये परफेक्ट हो जाए। ओके, डन। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको आ जाना है यहाँ पर, एक नया टैब ले लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाना है और जियोमेट्री नोड एडिटर को चूज कर लेना है एंड प्रेस करना है, उसको हाइड कर देना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ग्रिड फाइंड करना है। ओके, इसको ले लेना है और क्या करना है इसको, इससे अभी क्या करना है इस ग्रिड को इससे कनेक्ट कर देना। ओके दोस्तों, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे वो हाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्लेन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो, यहाँ हमारे पास एक प्लेन ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको इंस्टेंसेस में पॉइंट का यूज़ करना है, INST लिखना है और आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन है इंस्टेंसेस में पॉइंट, आपको क्या करना है इसको चूज करके लाकर यहाँ रख देना है और दोस्तों इस जियोमेट्री को इंस्टेंसेस से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। अभी दोस्तों आप इसको जैसे ही साइज को इंक्रीज करोगे, यहाँ पर ये सब अलग होते जाएंगे, ठीक है, हो गए। आप दोस्तों यहाँ से वर्टिसेस XYZ को इंक्रीज करोगे, यहाँ पर ज़्यादा काउंट हो जाएगा। ओके, आप उसको कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। ओके, डन। अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐड में जाना है, यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर यूवी स्फीयर को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर लाया, इसको मैं स्केल करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अभी इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा, मतलब हमारा जो नोड है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर इसको क्लीन कर देना है। दोस्तों अभी क्या होगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से स्फीयर के नोड को ले लेना है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड करना है वेक्टर मेथ। दोस्तों जैसे आप VE लिखोगे, यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन है वेक्टर मेथ, आपको क्या करना है इसको चूज कर लेना है। ओके, फिर क्या करना है दोस्तों, इस लोकेशन को वेक्टर से कनेक्ट कर देना है और दोस्तों यहाँ से इसको सबट्रैक्ट कर देना है। ओके, फिर दोस्तों आपको पोजीशन नोड को फाइंड करना है, PO लिखोगे आ जाएगा पोजीशन नोड, लाना है यहाँ पर रख देना है और इस पोजीशन को इससे कनेक्ट कर देना है। ओके, अभी क्या करना है दोस्तों, आपको इसको रोटेशन से कनेक्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों जैसे आप रोटेशन से कनेक्ट करोगे, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा जो कि बहुत ही खराब लग रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अलाइन यूलर टू वेक्टर को फाइंड करना है, इसको चूज करना है और यहाँ पर लाकर रख लेना है। अभी दोस्तों क्या करना है, इसको जो है वेक्टर से कनेक्ट कर देना है। ओके, फिर दोस्तों आपको क्या करना है, रोटेशन को रोटेशन से कनेक्ट कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जेड एक्सिस को चूज कर लेना है। ओके, अब दोस्तों आप इसको आसानी से ट्रैक कर पाओगे, देख पा रहे हो, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजीली हम दोस्तों इसको ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो, आप कैमरा लगा सकते हो, यहाँ पर कोई ट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से इस फंक्शन का यूज करके ट्रैकिंग करना सीख सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।